हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो भी आपके डाउट्स हैं मैं क्लियर करने की फटाफट कोशिश करती हूँ। जल्दी से आपके कमेंट पढ़ते हैं। बच्चे का कमेंट है जशनदीप का, गुड मॉर्निंग मैम, आज मेरा पूरा कमेंट पढ़ना, कल आपने नहीं पढ़ा था, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ओके बच्चे, मैं करूँगी। मैम मैंने अपनी पीडीएफ अपलोड करके वेरीफाई कर दी थी, लेकिन जब मैंने अपनी एक पीडीएफ को स्कैन नहीं किया था तो मैंने जैसे आपने बताया था कि क्वेरी में डालो वैसे ही मैंने डाल दिया, लेकिन अब वहां लिखा आ रहा है कि यू हैव नॉट वेरीफाइड योर आंसर शीट विद रिमार्क्स। बट मैम वहां पर टू रिमार्क्स द ऑप्शन मिला ही नहीं। रिमार्क्स मतलब ओके लिखना होता है वहाँ पर, ओके। अब मैं क्या करूं, वेरीफाई पे जाके वहाँ पे आप ओके कर दो रिमार्क्स में, बस यही करना होता है। तो इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, आप पास हो जाओगे इजीली। आपकी शीट का वेरीफाई का ऑप्शन बता रहे हैं कि आपने ओके, आपने वेरीफाई का फर्स्ट ऑप्शन नहीं ना दबाया होगा, ओके वेरीफाइड में लिखा नहीं होगा, तो वो इसलिए आपको बता रहे हैं कि यू हैव नॉट वेरीफाइड योर आंसर शीट विद रिमार्क्स। ठीक है, तो उससे कोई इशू नहीं होगा बच्चे। नेक्स्ट हरमंदर सिंह कह रहे हैं कि एट सैम डेट शीट। बच्चे कौन सी डेट शीट, वो डेट शीट जो आई है वो मैंने आपको बता, एट सैम की डेट शीट। अच्छा अच्छा वो तो नहीं आई अभी, आ जाएगी तो मैं डाल दूँगी, आ ही जाएगी, आ जल्दी आ जाएगी। मैम वेरीफाई आंसर शीट में एग्ज़ाम डेट इनवैलिड शो हो रहा है। हाँ जी हाँ जी बच्चे, काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू नहीं है, वेट करिए हो जाएगा ठीक। ओके गुड मॉर्निंग मैम, मुझे दो क्वेश्चन पूछने थे। ओके मुझे इनकी स्माइली देख के ना, मतलब कि दिख रहा है कि कुछ बड़े खुश हो रहे हैं। नेवर गिव अप वाले बच्चा जो, जिसका नेम बता दिया करो बच्चे अपना। मैम मुझे वेरीफाई का नहीं पता था कैसे करते हैं, मैंने पेपर ख़त्म होने के बाद लास्ट में सारे वेरीफाई किए एक साथ, तो मैम कोई इशू तो नहीं, इससे कोई इशू नहीं होगा बच्चे, लास्ट तक आप वेरीफाई कर सकते हो। मैम मेरे परसों सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो मैंने कल, मैम मैं अपनी आंसर शीट स्पीड पोस्ट नहीं कर पाया, तो मैम आज कर दी तो कोई इशू तो नहीं होगा। नहीं, इससे भी कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू मैम, आप बहुत बच्चों की हेल्प करती हो, जल्दी से 100K सब्सक्राइबर कर दें। थैंक यू सो मच बच्चे, आपके भी हो जाएं जल्दी जल्दी, और थैंक यू। मैं जसप्रीत सिंह बोल रहे हैं कि मैम पोस्ट एड्रेस अपना एड्रेस लिखना है, तो मैम आप इनवेल्प नू किस तरह भी बंद कर सकते हैं। येस ऑफ कोर्स सेलो टेप, हाँ जी कर सकते हो बच्चे। नमस्ते मैम, जिन्होंने मार्च वाले एग्ज़ाम 16 जुलाई को ऑनलाइन मोड में दिए हैं, BCA फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के रिपेयर, उनका रिजल्ट क्यों नहीं आया, एंड फाइनल सेमेस्टर वालों के 40 डेज के अंदर आ गया, बिकॉज फाइनल वालों के ऑलरेडी एग्ज़ाम लेट थे और उनकी जॉबों लगनी होती है, इसलिए उनका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। अब जून वाले एग्ज़ाम कहाँ, रिजल्ट कब आएगा, जुलाई वाले एग्ज़ाम का तो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, बट मैम जून वाले एग्ज़ाम का रिज़ल्ट रिलीज़ अब तक होना चाहिए था, हुआ ही नहीं। हो जाएगा बच्चे, जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। हाय मैम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, आपका हमेशा कमेंट आता है मोहम्मद, थैंक यू सो मच, विद गुड हेल्थ, थैंक यू सो मच। सच्ची मेरे को हेल्थ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हेल्थ की, प्रेयर्स की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच बच्चे, एंड योर फैमिली, यू टू बच्चे। मैम मेरे डाउट हैं कि आज मॉर्निंग मेरे सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए 2020 बैच के, तो आज स्पीड पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि टाइम हो चुका था आफ्टरनून, तो कल फेस्टिवल हॉलीडे है, कहाँ हॉलीडे है, कौन सा फेस्टिवल है कल, कहाँ हॉलीडे बच्चे। मैम 21 को सैटरडे है, कर सकता हूँ स्पीड पोस्ट, हाँ जी कर सकते हो आप, आप ऐसे करना कल भी कर सकते हो, कल भी कोई छुट्टी नहीं है स्पीड पोस्ट वालों की, परसों भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और मैम मैंने जो अपने इनवाइट में लिखने थे वो कहा था वैसे ही लिखा है, पर उसमें रिपेयर के पेपर पहले रखे हैं, उसके बाद रेगुलर के पेपर रखे हैं, इससे कोई इशू नहीं होगा बच्चे।
थैंक यू फॉर आंसरिंग। हाँ आंसर दे दिया है मैंने। करण शर्मा का मैसेज आया, हेलो सिस, मेरा 8th सेमेस्टर रिपेयर का रिजल्ट आ गया है बट आज 8 डे हो गए हैं, ना डिटेल कार्ड आया नहीं ना ही डीएमसी आई है। बच्चे आ जाएगा करण, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। जुलाई एग्ज़ाम का भी रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा बच्चों। लास्ट का फर्स्ट सेकंड पेज ब्लैंक स्केच से लिख दिया, नहीं इससे भी कोई इशू नहीं होगा मैम, मेरी आंसर शीट एक्सेप्ट नहीं कर रही पीटीयू, कर रही यूनिवर्सिटी, इसे करके मैंने सेम डे करेक्ट शीट एक्सेप्ट ऑनली कब अब कर दिया। खुशी को हो सकती सकता रिपेयर, कुछ नहीं हो सकता, रिपेयर निकलेगी क्या अब मेरी, नहीं बच्चे ऐसा कुछ नहीं होगा, पास हो जाओगे आप। नेक्स्ट राजपूत, गुरजंट राजपूत कह रहा है कि हेलो मैम, मेरी एक सेमेस्टर जो सप्ली आई सी उस सेमेस्टर दी मैं रिवोल्यूशन भरी सी, उसका रिजल्ट कदों आऊगा मैम, हूँ रिपेयर एग्ज़ाम भी फेल होने स्टार्ट हो गए आ, ते जिसकी लास्ट डेट 23 अगस्त आ, तुसी दसो मैं रिपेयर दे फॉर्म फिल करा कि पहला रिजल्ट दी वेट करा। बच्चे रिपेयर के फॉर्म अगर निकले हैं तो आप रिवोल्यूशन भी भरी थी आपने, रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया नहीं अभी तक, तो स्टूडेंट क्वेरी में डालो आप पहले, तो उसके बाद आप प्रीपेयर का फॉर्म भर दो, कोई बात नहीं, अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो मत एग्ज़ाम देना, अगर नहीं क्लियर हुआ तो एग्ज़ाम दे देना। मैम पीडीएफ ऑनलाइन चेक होगी या जो स्पीड पोस्ट करते हैं बच्चे, जो आप ऑनलाइन होती है वो करते हैं, जो स्पीड पोस्ट करते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। मोहम्मद का मैसेज है, मैम पोस्टर एड्रेस ऑर्डर कौन सा है प्लीज़ टेल मी। बच्चे मैंने इसकी वीडियो बनाई है स्पीड पोस्ट वाली वीडियो, मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ 2020 बैच वाली प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहाँ आपको स्पीड पोस्ट की वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देख लो। आंसर शीट को वेरीफाई करना इम्पोर्टेंट है, यस ऑफ कोर्स वेरीफाई करना है। जस्ट चोपड़ा कह रहा है कि मैम तुसी साडे डाउट्स क्लियर कर दो, बहुत हेल्प कर दो, इसलिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। बच्चे आपका भी मैम, मेरे 2020 बैच से सेमेस्टर एग्ज़ाम 23 अगस्त नू ख़त्म हो जाने ने, मैम कोई आइडिया है कि कब तक रिज़ल्ट आएगा, सितंबर में आ जाएगा मैम, रिज़ल्ट कब आएगा, अगस्त और सितंबर दो मंथ रिज़ल्ट के ही हैं मैम। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कि पीहू राजपूत कह रहे हैं कि आई हैव टू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन हैं इनके। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा MBA का बैच मेरी 4th सेमेस्टर की रिपेयर है, मैंने मई 2021 में फॉर्म फिल किए थे बट डेट शीट नहीं आई, तो क्वेश्चन फर्स्ट था कि मेरा एग्ज़ाम कब तक होगा। सेकंड क्वेश्चन इस मेरी एग्जामिनेशन फीस फिल की थी 4th सेमेस्टर की, वो वेस्ट हो गई है, ओ माय गॉड। मैम मॉक टेस्ट तो को पार्सल करो या ना करो, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, नहीं उससे नहीं कोई इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा नहीं सच मैंने इनका जवाब नहीं दिया, फिर बच्चे बोलेंगे मैम मेरा जवाब नहीं दिया। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि MBA का बैच जो है मेरी फोर्थ सेम की रिपेयर के मैंने 2020 फिल किए थे बट डेट शीट नहीं आई है, ठीक है, तो से फिर दोबारा फिल नहीं करना बच्चे, दोबारा की फिल करोगे आप फोर्थ सेम की, वेस्ट हो गई है क्या, वेस्ट हो गया है मनी, मनी बोल रहे हो ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा नहीं फिल करना, वो आपका आएगा तो कोई बात नहीं। मैम मॉक टेस्ट तो पार्सल तो नहीं, उसको नहीं करना। मैम गुड मॉर्निंग मैम, एक डाउट है कि OB में स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, ऑफकोर्स हो जाते हैं शुभम, रिज़ल्ट कैसे आएगा, बिकॉज 60 को 60 कर रहे हैं बच्चे, पेपर तो 60 कर रहे हैं बच्चे, रिज़ल्ट कैसे देंगे मैम बच्चे। रिज़ल्ट आ जाएगा अगस्त एंड सितंबर में, रिज़ल्ट सारे आ जाएंगे। पोस्ट ऑफिस कितने दिन तक में पहुंच जाएगा, 7 डेज में पहुंच जाता है मैम। सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम 16 को ख़त्म है बट रिपेयर के एग्ज़ाम मेरा 16 को है, तो मैम मैं अपने रेगुलर पेपर स्पीड पोस्ट कब करूं। रेगुलर पेपर भी आप साथ में ही करोगे, जिस दिन आपका लास्ट एग्ज़ाम है उस दिन करोगे मैम। रिज़ल्ट का तो आएगा वो भी एग्ज़ाम दा बच्चे, रिज़ल्ट आपका आ जाएगा जल्दी। Due to some personal problem, I have attempted only 3 questions. Will PTU give me marks or not? So please reply, ma'am. I am already in big. Yes, learn easily का message है। Yes, बच्चे PTU pass कर देगी अगर आपके answer सही हुए तो, pass of course हो जाओगे।
इन्वेल्प किसी भी कलर का ले सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, किसी भी कलर का ले सकते हैं मैम। पोस्टर एड्रेस कौन सा? एक के बाद मैंने स्पेशल आपके लिए 2020 बैच की वीडियो बनाई, प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में जाइए 2020 बैच वाली, उसमें स्पीड पोस्ट की वीडियो बनी है, स्पीड पोस्ट की वीडियो देखिए, उसमें सारा एक ए टू जेड पॉइंट बताए हुए हैं मैंने। निशान कह रहा है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बिंदु दी, ओके। मेरा नाम कहाँ से पता चल जाता है इनको? रिजल्ट कब तक आएगा ओबी मोज का एग्जामिनेशन का? सितंबर में आएगा। थैंक यू मेरा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आई एक्सीडेंटली अपलोडेड क्वेश्चन पेपर ऑन वेबसाइट इंस्टेड ऑफ आंसर शीट बिकॉज रिव्यूज बटन डिड नॉट वर्क ऑन फोन, आई कुड नॉट सी इट वॉज क्वेश्चन पेपर, थॉट आई हैव सेंड द आंसर शीट ऑन ईमेल, विल देर बी एनी इशू? नो इशू डियर, आपने अगर मेल कर दी तो कोई इशू नहीं होगा। मैम इन्वेल्प को एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में डाल सकते हैं क्या? नो, इसकी नीड ही नहीं है, नहीं नीड ही नहीं है पड़ेगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, होप आपके सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत थैंक्स आपके कमेंट करने के लिए। जो भी आपके डाउट्स होते हैं मैं डेली क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। कई बार क्या होता है, मैं वीडियो बना चुकी होती हूँ मेरे पोस्ट पे, आज मैंने पोस्ट डाला है स्टूडेंट्स, एक्चुअली मेरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के, तो मेरे आज ऑफिशियली मेरे 5 साल, वैसे तो मेरे टोटल 7 साल कंप्लीट हुए हैं, बट 2 ईयर्स मैं काउंट नहीं कर सकती बिकॉज उस टाइम पे मैं अपनी स्टडी भी करती थी और साथ में मैं छोटी सी जॉब भी करती थी, तो वो भी मैंने मतलब कि टीचिंग की ट्यूशन ही देती थी मैं, मतलब वो मैं काउंट नहीं करती, बट मेरा ऑफिशियली जो है मेरा 16 से लेके आज 21 तक मेरी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि मैंने 5 साल कैसे निकाले हैं। मुझे पता है जॉब करना इजी नहीं है, बातें सुनना इजी नहीं है, काम संभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इजी नहीं होता, और 5 साल निकालने इजी नहीं होते, तो बहुत ही मैं लकी फील करती हूँ। मेरे पास आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, और मुझे ये चीज़ की फिक्र नहीं होती है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप सभी मेरे साथ हो, तो मुझे ऐसे फील होता है कि आप सभी बहुत साथ देते हो मेरा, मुझे पता है, तो इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और डेली डेली आप क्वेश्चन करते हो ना, तो वो मुझे और खुशी मिलती है कि सच में बच्चे कनेक्टेड हैं डेली मेरे साथ, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। ओके, गुड नाइट स्टूडेंट्स।